नमस्ते फ्रेंड्स, मना फिटनेस में आपका स्वागत है। आज के जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे, हमारी ये लेग्स एक्सरसाइजेस रहेंगी। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हैं, एक तो क्या होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा, प्लस लेग्स या थाइज में जहाँ जहाँ जो एक्स्ट्रा फैट होगा वो तो बर्न होगा ही, हमारा लोअर बॉडी भी अच्छे से वर्कआउट होगा, प्लस हमारा अपर बॉडी भी वर्कआउट होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जो पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना, नहीं तो क्या होगा कि मिलने वाले जो अच्छे रिजल्ट वो मिस हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सरसाइज रहेगा, हमने क्या करना है, ऐसे आपने ताड़ासन आसन की स्थिति में खड़े होना है, स्ट्रेच करना है बॉडी को एंड इक्वल डिस्टेंस में लेग्स को वाइड करना है। वाइड करते हुए ये जो है हमारा पहला एक्सरसाइज रहेगा। तो आपने क्या करना है, वाइड करते हुए अपने लेग्स को ऐसे स्ट्रेच करना है एंड दोनों पैरों को जो है बाहर की तरफ एंगल बनाते हुए वैसे निकालना है, ठीक है। एंड इस पोजिशन में आपको स्टेबल रहना है, अपने अपर बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, सामने की तरफ देखना है, ऐसे हैंड्स को ऐसे रखें एंड फिर आप लेके जाए। इस तरह से हम ये काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो इस तरह से हमारा ये पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारा आर्म पिट का जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होगा, अपर बॉडी में जहां जहां जो एक्स्ट्रा फैट होगा बर्न होगा, थाइज में स्ट्रेंथ आएगा, प्लस जहां जहां जो एक्स्ट्रा फैट होगा वो भी बर्न होगा। तो इस एक्सरसाइज के क्या करना है, 20-20 के जो है 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड में उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो मेरा एक्सरसाइज रहेगा, इसी पोजिशन में रहते हुए ऐसे थाइज में अपने हैंड्स को रखना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है थाइज पे, तो ऐसे आपने ट्विस्ट करना है, ठीक है। हमारा ये एब्डोमिनल स्पाइन ट्विस्ट रहेगा। इससे क्या होगा कि एक तो अगर बैक पेन हो जाता है उससे रिलीफ मिलेगा, बैक पोस्चर सही होगा, प्लस एक्स्ट्रा फैट जो रहेगा हमारा साइड वेस्ट का वो भी बर्न होगा। तो ऐसे ट्विस्ट करना है, अच्छे से ट्विस्ट करें ताकि आपको स्ट्रेच फील हो। 1, 2 धीरे धीरे करें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 वापिस। तो इस एक्सरसाइज के भी क्या करना है, अपने 20-20 के 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड में उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो मेरा एक्सरसाइज रहेगा, आपने ऐसे लॉन्जेस बनाने हैं, ट्विस्ट करना है जितना हो सकता है उतना, आपने बैलेंस बनाना है। साइड ट्विस्ट करते हुए एक लेग को ऐसे आपने स्ट्रेट रखना है, दूसरे को आपने हाफ बेंड करना है एंड अपने हैंड्स को अप करना है। इससे एक तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा लेग्स का एंड थाइस का, जहां जहां एक्स्ट्रा फैट होगा वो बर्न होगा, हिप्स का फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा एंड अपर बॉडी में जहां जहां एक्स्ट्रा फैट होगा वो बर्न होगा, बैलेंस बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5 सेम रिपीटेशन अदर साइड। तो ऐसे ही मैंने रोटेट किया है खड़े खड़े एंड ट्विस्ट करना है अच्छे से बॉडी को, सामने की तरफ देखें, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से आपने रुकना है। तो दोनों साइड से अच्छे से स्ट्रेच करते हुए क्या करना है, 10-10 के आपने दोनों साइड से करना है। तो आपने क्या करना है, 20-20 के जो है 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड में उसको कंप्लीट करना है। जितने ज़्यादा टाइमिंग बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, प्लस एक तो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा एंड कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बैलेंस इंप्रूव होगा, प्लस जहाँ जहाँ जो एक्स्ट्रा फैट होगा वो बर्न होगा। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज रहेगा, अपने ऐसे रहना है एंड थोड़ा सा हम फ्लोर का टच करेंगे, 1, 2, 3, 4 and 5। तो ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, इसके भी आपने 20-20 के 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड में उसको कंप्लीट करना है। अगर आगे वाला ये वाला जो रहेगा हनुमानासन, अगर ये वाला हो सकता है तो आप करें, नहीं हो रहा है तो इसको अवॉइड कर दें। तो ऐसे आपने स्ट्रेच करना है, अच्छे से जब स्ट्रेचिंग हो जाए तो आपने ऐसे लेग्स को रखना है, स्ट्रेच करना है एंड होल्ड। तो इस तरह से जो मेरा आसन रहेगा वो कंप्लीट होगा।
तो जहाँ जहाँ जब एक्स्ट्रा फैट होगा वो तो बर्न होगा ही, बल्कि जहाँ अगर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करना है या फिर और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो ये एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करेंगे। आई होप आज का एक्सरसाइज जो था वो काफ़ी हेल्प करे आपका एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एंड कोर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक ध्यान रखिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।